नमस्कार। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, और जिसमें हम पढ़ेंगे आज पृथ्वीराज रासो की रचना है कवि चंद्रपरदाई की। पृथ्वीराज रासो, और जिसका हम पढ़ रहे हैं पद्मावती समय, ये है इसका 20वां समय, 20वां अध्याय, जिसे कि आप कह सकते हैं पद्मावती समय। तो ये है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको पद्मावती समय की कथा का सारांश बता दूं कि क्या है चंद्रपरदाई की कथा पद्मावती समय। उससे पहले थोड़ा मैं चंद्रपरदाई का परिचय दे दूं। ये रचना है पृथ्वीराज रासो से ली गई पद्मावती समय, और ये है पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रपरदाई। चंद्रपरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि माना है, और पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है। हिंदी के पहले महाकाव्य की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो का ही 20वां अध्याय, 20वां समय जिसे कहते हैं, वो है पद्मावती समय। इसकी कथा हम सार में पढ़ लेते हैं, क्या है पद्मावती समय की कथा। पद्मावती समय की कथा ये है कि दिल्ली से पूर्व की ओर समुद्र शिखर नामक एक स्थान है, और वहाँ का राजा है विजयपाल, और उसकी पत्नी है, उसकी रानी का नाम है पद्मसेन, और इन दोनों की पुत्री है पद्मावती, जो बहुत ही सुंदर है, सुशील है, और चंद्रमा के समान, चंद्रमा की कलाओं के समान गुणों वाली है। वो रानी अपने पिता के घर में खेल रही है, बड़ी हो रही है, और एक बार वो अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ खेल रही होती है राजमहल में, और एक तोता आता है उनके पास, आ जाता है उस राजकुमारी के पास, और राजकुमारी जब उस तोते को देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो उस पर मोहित होती है और वो उसे पकड़ लेती है। वो तोता भी उसके पास आ जाता है, और वो तोते को अपने पास रखती है, तोते के साथ खेलती है। इस तरह से दिन व्यतीत होते हैं। एक दिन जो रानी है वो तोते से उसका परिचय पूछती है कि तो वो कहाँ से आया है और कौन से देश का है, जिस देश से आया वहाँ का राजा कौन है, कैसा है, क्या है, वो उसका सारा परिचय जानने का प्रयास करती है। तब तोता उसे बताता है कि मैं आया हूँ दिल्ली से, और मेरे सुल्तान है पृथ्वीराज। मैं पृथ्वीराज का जो है, पृथ्वीराज चौहान का ही तोता हूँ, उन्हीं के प्रदेश का हूँ, और उनके सामने वो है जो पद्मावती के सामने जो तोता है वो पृथ्वीराज चौहान के सौंदर्य का चित्रण करता है, उनके गुणों का चित्रण करता है, किस प्रकार से वो वीर हैं, गुणी हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनकी सब विशेषताएं बताता है। तो इस प्रकार से उनके गुणों को सुनकर जो पद्मावती है धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और जैसे उसमें यौवनावस्था आती, किशोरावस्था आती है, विवाह के योग्य वो हो गई है, और उसके मन में क्या इच्छा है कि वो विवाह के रूप में, अपने वर के रूप में पृथ्वीराज चौहान को ही पाना चाहती है। उसके मन में उनके लिए एक विशेष स्थान बन जाता है। और यहाँ माता पिता को भी नज़र आ रहा है कि जो राजकुमारी पद्मावती है वो विवाह योग्य हो गई है, बड़ी हो गई है, तो इस चिंता में उनके माता पिता जो है अपने कुलगुरु को बुलाते हैं, और पिता उसके जो है कुलगुरु को बुलाकर और पद्मावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढ लाने के लिए कहते हैं। वो जाते हैं पद्मावती के वर की तलाश करने में, और उन्हें उनके पिता निर्देश देते हैं कि आपको पूरे देश, सभी पूरे देश में जो भी कोई सुयोग्य मेरी पुत्री के लिए वर दिखे, आप उसे मेरी पुत्री के लिए, उनकी मेरी पुत्री की उससे सगाई कर दीजिए और उससे रिश्ता पक्का कर दीजिएगा। और जब ये बात पद्मावती को पता लगती है तो वो भी बड़ी ही व्याकुल हो जाती है, चिंतित हो जाती है, और वो उस तोते को बुलाती है शुक को, और उसे एक पत्र लिख के भेजती है, और उस पत्र में अपने विवाह की तिथि वगैरह सब अंकित कर देती है, और कहती है कि ये आप जाकर पृथ्वीराज को दे देना। और उस पत्र में वो ये लिखती है कि यदि आप मुझे शुद्र कुल की क्षत्रिय समझते हो तो आप मेरा वरण आके कीजिए, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उसको उससे विवाह किया था, उसी प्रकार से आप भी आकर मेरे साथ विवाह कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, और मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। और उस प्रकार से ये शुक जो है ये पत्र लेकर पृथ्वीराज तक जाता है, और पृथ्वीराज को जब वो पत्र मिलता है तो वो भी उसी पल उसी घड़ी उसके पद्मावती के को लेने के लिए, उससे विवाह करने के लिए
तैयार हो जाते हैं और अपना जो महल है, अपने गढ़ की सारी जो है जिम्मेदारी अपने सेनापति चामुंडराय को सौंप कर और समुद्र शिखर की तरफ प्रस्थान करते हैं और उनका प्रस्थान करना होता है। और इस प्रकार से ये सूचना मिल जाती है गजनी के शहाबुद्दीन को। उस शहाबुद्दीन को पता लगता है कि पृथ्वीराज इस प्रकार से समुद्र शिखर की तरफ गए हैं, तो शहाबुद्दीन पृथ्वीराज पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, क्योंकि पृथ्वीराज अपनी अधिक सेना तो अपने महल में छोड़ा है, अपने साथ केवल 3,000 सैनिकों को लेकर चले हैं। और शाहबुद्दीन जानता है कि उसे पता लग जाता है कि पृथ्वीराज छोटी सी सेना के साथ जा रहे हैं, तो वो उस पर आक्रमण करने के लिए वो भी तैयार हो जाता है। इस प्रकार से क्या है कि समुद्र शिखर में उसके माता जो पद्मावती के माता पिता हैं वो भी उसके लिए वर ढूंढ लेते हैं, और उनके वर के रूप में जो ढूंढते हैं वो है कुमोदमणि। तो समुद्र शिखर में कुमोदमणि की बारात पहुँचती है और साथ ही साथ पृथ्वीराज की बारात भी पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से दो बारातें एक साथ आ जाती है कुमोदमणि के स्वागत के लिए, जो पद्मावती के माता पिता पूरी व्यवस्था करते हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं और स्त्रियां भी बड़ा है बड़ी आनंद से बारात के आगमन को देखती है। पर उसके आने से कुमोदमणि के आने से जो पद्मावती है बहुत ही व्याकुल हो जाती है, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा कर रही है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान आती हैं, जैसे ही पहुंचते हैं तोता जो है वो संदेश पहुंचा देता है पद्मावती के पास, और पद्मावती के पास जैसे ही संदेश पहुंचता है उसके चेहरे की जो चिंता है वो सब दूर हो जाती है और वो मंदिर की तरफ जाती है। और वहां पर मंदिर में ही जिस प्रकार से कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करकर उससे विवाह किया था, उस प्रकार से पृथ्वीराज भी पद्मावती का हरण करते हैं और उसे अपने दिल्ली की तरफ ले चलते हैं। तो जैसे ही सूचना मिलती है सबको कि पद्मावती तो हर ली गई, तो पद्मावती के पिता की सेना और साथ ही कुमोदमणि की सेना दोनों उस पर आक्रमण कर देती है। पर पृथ्वीराज तो अपारवीर हैं, योद्धा हैं, और वो इन दोनों को परास्त करते हुए पद्मावती को लेकर दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। अब जैसे ही वो दिल्ली के निकट पहुंचते हैं उन्हें मिल जाते हैं शहाबुद्दीन गौरी, और शहाबुद्दीन गौरी की सेना उन पर आक्रमण करती है। दोनों में घमासान युद्ध होता है और उस युद्ध में पृथ्वीराज फिर से विजयी होते हैं, और पृथ्वीराज विजयी होकर अपनी पत्नी अपनी रानी पद्मावती को साथ लेकर अपने महल दिल्ली की तरफ जाते हैं और वहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ पंडितों को बुलाकर दोनों का विवाह संपन्न होता है। तो ये है पृथ्वीराज चौहान की कथा, जो कि पद्मावती समय के अंतर्गत है, पृथ्वीराज रासों में मिलती है। तो ये तो था इस कथा का सार। तो आइए शुरू करते हैं पृथ्वीराज रासों की पद्मावती समय, जो कि कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में है। पहला पद है मनु कला ससिभान कला सोल सो वन्य बाल पेश ससिता समीप अमृत रस पन्य बिकसी कमल मृग भ्रमर वेन खंजन मग लुटिय हीर कीर अरबिन मोती नक्षिक अहि खुटिय। यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं इसे क्या बोल रही हूँ, खंजन नख शिख। तो ये है जो उस समय ब्रज भाषा है, यहाँ पर क्या है श का उच्चारण होता है खमी, तो जहाँ पर श है उसका उच्चारण करना है खैम। तो वीन खंजन मृग लुट्टी है हीर कीर अरुबिंब मोती नक्षिक अहि घुट्टी है छपति गयंद हरि हंस गति विह बनाए सच सची है पद्मिनी रूप पद्मावती मनु काम कमनीय रची है। तो यहाँ पर पद में ये पद है पृथ्वीराज रासों के पद्मावती समय से और चंद्रवरदाई की रचना है, और इसमें पद्मावती के रूप सौंदर्य का उसके नक्षिक का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप में किया गया। वह यहाँ पर कवि कह रहे हैं मनो कला ससिभान कला सोला सो बनिए। पद्मावती का जो रूप है मानो ऐसे लगता है चंद्रमा की कला ही इस धरती पर आ गई है। कला सोला सो बनिए, और चंद्रमा की 16 कलाओं से ही उस पद्मावती का रूप बना हुआ है ऐसा लग रहा है। बाल वेश ससिता समीप अमृत रस पन्नी, और उसका जो अभी तो बाल्यावस्था का ही रूप है, बालवेश का तात्पर्य है बाल्यावस्था, तो अभी तो बाल्यावस्था ही है। बाल वेश ससिता समीप अमृत रस पन्नी, उसका बाल्यावस्था की अवस्था है, और उस रूप में भी उसमें क्या है
उस अमृत की वर्षा हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उस अमृत का पान करने के लिए चंद्रमा उसके समीप आता है। चंद्रमा जो अमृत बरसाता है वो उस पद्मावती के रूप से ही लिया हुआ लग रहा है। अगली पंक्ति कहती है, हीर कीर अरुबिम मोती नक्सिक अहिघुट्टी है छपति गयन हरिहंस गति विह बनाए सचे सचिए। यहाँ पर पद्मावती का सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि विकसी कमल मृग भंवर उसका मुख जो है खिले हुए कमल के समान प्रतीत हो रहा है। विकसी कमल मुख पद्मावती का खिले हुए कमल के समान प्रतीत हो रहा है और मृग भ्रमर और भंवरे जो है उसके मुख को कमल के भ्रम में कमल का ही रूप मानकर उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। वेन खंजन मृग लुट्टी है और उसकी वाणी जो है बहुत ही मधुर है, बांसुरी की तरह मधुर वाणी है और उसके नेत्र खंजन मृग लुट्टी है। नेत्रों ने खंजन पक्षी और मृग का अर्थ है हिरण, इन दोनों की ही चंचलता को इन दोनों की ही शोभा को लूट लिया है, ऐसे सुंदर उसके नेत्र हैं। हीर कीर अरुबिम मोती नक्सिक अहि खुट्टी है। हीर यहाँ पर पद्मावती के अंगों के बारे में बताया गया कि हीरे के समान तो उसके दांत हैं। कीर का अर्थ होता है तोता, नाक उसकी नाक क्या है तोते की नाक के समान है। अरुबिम्ब और होठ जो है बिंबा फल के समान लाल है। बिंबा फल कहते हैं अनार को, जिस प्रकार से अनार जो है लाल उसी अनार की जो लालिमा है वो उसके होठों की तरह है। मोती नक्सिक और उसके जो नाखून है उनमें वो मोती के समान है और इस प्रकार से उसका शरीर रचित है और उसके अंगों की शोभा है और उसका अंग इस प्रकार से हीर कीर अरुबिम्ब मोती नक्सिक अहि घुटी है, उसका शरीर उसके अंग बने हुए हैं। छपति गयन हरिहंस गति विह बनाए सचि सचिए पद्मिनी रूप पद्मावती है मनु काम कमनी रचिए। और उसकी चाल जो है वो छपति गयन हरि हंस, पद्मावती की चाल इतनी मदमस्त है कि वो ऐसे लग रही जैसे कि गयन शब्द का अर्थ हाथी, हीर का अर्थ होता है सिंह और हंस, इन तीनों की गति के समान, इन तीनों की चाल के समान पद्मावती की चाल है। उसी के तरह उनकी चाल में शोभा नजर आ रही है कि पद्मावती की चाल तो इन सबसे श्रेष्ठ है और इनको भी वो जो है लज्जित करने वाली लग रही है। और पद्मावती की चाल को देखकर हाथी, सिंह और हंस ये भी लज्जित हो रही हैं। विह बनाए सचे सची, और ऐसा लग रहा है कि विधाता ने पद्मावती का रूप तो ये एक विशेष सांचे में इसे ढालकर बनाया है। पद्मनी रूप पद्मावती, और इस प्रकार से पद्मावती का रूप तो पद्मनी के समान लग रहा है। यहाँ पर पद्मिनी शब्द का अर्थ मैं आपको बता दूं कि नायिका का ही एक भेद है। नायिका के जो चार प्रकार बताए गए हैं, नायिका चार प्रकार की होती है भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार, पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी और हस्तिनी। नायिका के चार प्रकार हैं पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी और हस्तिनी, और उसमें सबसे श्रेष्ठ जो मानी जाती है वो पद्मिनी नायिका मानी जाती है। तो पद्मावती का रूप भी क्या है, पद्मिनी नायिका के समान है। और ऐसा लग रहा है मनु काम कमनीय रचि, और मानो ऐसा लग रहा है कि कामदेव की ही पत्नी रति का ही दूसरा रूप विधाता ने रच दिया हो, अर्थात कामदेव की पत्नी रति के समान ही सौंदर्य वाली पद्मावती है। तो इस पद में क्या है, चंद्रवरदाई ने पद्मावती के सौंदर्य को बताया है कि मनु कला ससिभान कला सोलह सो बनी। मानो चंद्रमा पद्मावती का सौंदर्य जो है चंद्रमा की कलाओं से बना है, चंद्रमा की 16 कलाएँ जो पद्मावती का ही रूप है और वो बाल्यावस्था में है और उससे सौंदर्य से अमृत की वर्षा हो रही है और उस अमृत का पान चंद्रमा भी पद्मावती से करता है और उसका मुख जो है पद्मावती का विकसित कमल के समान लग रहा है जिसके चारों ओर उसको मुख को कमल का भ्रम करके भंवरे जो है चारों तरफ मंडरा रहे हैं और उसकी वाणी जो है बांसुरी की तरह है, नेत्र जो है खंजन पक्षी और मृग हिरण की इन दोनों की चंचलता को ही लज्जित करें उसे लूट रहे हैं और उसके शरीर के अंगों का निर्माण कैसे है, हीरे के समान उसके दांत चमक रहे हैं, की नाक जो है उसके तोते की तरह है और होठ बिंबा फल की तरह है और नाखून जो है मोतियों की तरह है, ऐसा उसका शरीर है। और उसकी चाल जो है हाथी को, सिंह को और हंस की चाल को भी लज्जित करने वाली है, ऐसी मदमस्त उसकी चाल है और उसका रूप इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है विधाता ने एक विशेष सांचे का निर्माण कर उसके रूप का, उसके सौंदर्य का उसका निर्माण किया है। और पद्मावती जो है पद्मिनी नायिका के समान है,
और कामदेव की पत्नी रति का ही रूप लग रहा है, जैसे विधाता ने उसी की रचना कर दी हो। तो ये था पद्मावती का सौंदर्य, उसका नक्षिक वर्णन। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। इसमें भी, इस पद में भी जो है चंद बदाई ने पद्मावती के ही सौंदर्य को व्यक्त किया है। कुटिल केस सुदेश वह परिचित पिक सद कमल गंध व्यसंद हस्त गति चलत मंद मंद सेत वस्त्र सोहे शरीर नख स्वाति मूल जस भ्रमर भवे भुल्लय स्वभाव मकरंद बास रस नैन निर्खिस पाय सुख यह सुदिन मूर तिरचिय उमा प्रसाद हर हे रियत मेले राज पृथ्वी राज जीय। तो इस पद में भी जो है पद्मावती समय से ही लिया गया और पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण किया गया है और किस प्रकार से उसका सुंदर शरीर है, उसके अंग प्रत्यंग है और उसका रूप है। तो यहाँ पर ये पद उसके सौंदर्य को ही व्यक्त कर रहा है। कुटिल केस सुदेश काले काले उसके जो है घुंघराले, कुटिल शब्द का होता है घुंघराले, काले घुंघराले सुदेश सुंदर बाल हैं वह परिचित पिक सद और उसके बालों में क्या है मोती, पिक शब्द का होता है मोती, तो मोती जो है गुथे हुए हैं और बहुत ही सुंदर उसके काले काले घुंघराले बाल लग रहे हैं। कमल गंध व्यसंद और उसके शरीर से कमल की सी गंध, कमल की सी सुगंध आ रही है जो चारों तरफ फैल गई है। व्यसंद और उसकी आयु क्या है, अवस्था क्या है, वह संधि है अर्थात किशोरावस्था और युवावस्था इन दोनों के मध्य की अवस्था है। हंस गति चलत मंद मंद और उसकी जो चाल है हंस के समान वो मंद मंद गति से धीरे धीरे गति से चल रही है पद्मावती। आगे है श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, उसने अपने शरीर पर श्वेत वस्त्र धारण कर रही हैं, कर रखी हैं जो बहुत ही प्रकाशवान लग रहे हैं। नख स्वाति बूंद जस और उसके नख जो है मोती की सी कांति लेकर, मोती की सी आभा लेकर प्रदर्शित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। भ्रमर भवे फुल्लई स्वभाव मकरंद बास रज और उसके अंदर से क्या है कमल गंध, पद्मावती में से कमल की गंध आ रही है और उस कमल की गंध आने से क्या है भवरे अपना चंचलता का स्वभाव छोड़कर उसके मकरंद में उसे कमल मानकर और उसी के मकरंद पे उसी के ही चारों ओर विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपना चंचल स्वभाव छोड़कर उसी के ही आसपास उसी के इर्द गिर्द घिरे रहते हैं और उसी की गंध में ही लीन रहते हैं, भंवरों का ऐसा स्वभाव हो गया है। नैन निर्खि सुख पाए सुख, ये इसका उच्चारण आप हमने खै के रूप में करना है, नैन निर्खि सुख पाए सुख। तो उस प्रकार से पद्मावती के इस रूप को देखकर सुख जो है तोता, ये शब्द आया है तोते के लिए, जो तोता है उसके पास वो बड़ा ही उसके नेत्रों को बहुत आनंद मिल रहा है। यह सुदन मूर्ति रची और वह सोच रहा कि विधाता ने भी किसी विशेष दिन ही इसका निर्माण किया हुआ, इसकी रचना की होगी। उमा प्रसाद हर हेरियत और वह मन में कामना करता है कि शिव और पार्वती की प्रसाद इस पर कृपा हो, उसका इसे प्रसाद मिले और उसके रूप में क्या हो कि इसे एक श्रेष्ठ वर मिले, मिले राज पृथ्वीराज जी है और वर के रूप में क्या है पृथ्वीराज चौहान जैसा श्रेष्ठ वर पति के रूप में इसे मिले, ऐसे वो शुक जो है तोता कामना करता है कि उस अपने नेत्रों को से उसके रूप को देखता है, बहुत ही वो आनंदित होता है और ये मन में विचार करता है कि विधाता ने इसकी रचना किसी विशेष दिन किसी आराम से घड़ी में बैठ के की है और वो कामना करता है कि शिव और पार्वती का इसे आशीर्वाद मिले और इसे पृथ्वीराज चौहान जैसा वर मिले। तो इस पद में चंद्रबदाई ने पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण किया है और साथ ही साथ उसके पास रहने वाला जो तोता था उसकी कामना को भी व्यक्त किया है कि पद्मावती जैसी नायिका जो है स्त्री जो है वो पृथ्वीराज जैसे वर के ही योग्य है और पद्मावती को शिव और पार्वती का आशीर्वाद मिले और उसे पृथ्वीराज चौहान जैसा वर मिले। तो इस पद में पद्मावती का सौंदर्य और तोते की कामना व्यक्त हुई है। तो आज हमने अध्ययन किया हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पद्मावती समय और जिसमें हमने पद्मावती समय में पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन, पद्मावती समय की पहले तो हमने कथा का सारांश का अध्ययन किया और फिर
पद्मावती के सौंदर्य से संबंधित पदों का अध्ययन किया। इससे आगे की कक्षा में हम इसी पद्मावती समय को आगे बढ़ाते हुए आगे अगले पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए, इसे समझिए, इसे पढ़िए। इससे आगे की कक्षा में मिलते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आने वाले पद्मावती समय के अन्य पदों के साथ। धन्यवाद।